हाँ फ्रेंड्स, नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ दिस अ क्वेश्चन, मनुष्य भोजन लेते वक्त सांस नहीं लेता है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही, जो भी मैं कुछ दिनों तक कुछ वीडियो लाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, जहाँ सुनिएगा। जैसे लोग कहते हैं क्या मनुष्य भोजन लेते वक्त सांस नहीं लेता है, बहुत ही रॉन्ग सेंटेंस है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है कि क्या मनुष्य लेते वक्त सांस नहीं लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्यों लोग ऐसा अफवाह उड़ा देते हैं कि मनुष्य भोजन लेते वक्त सांस नहीं लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको रियल बताते क्या है मामला। मनुष्य केवल जब भोजन को निगलता है, व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स स्वॉलोइंग द फूड मटेरियल पास देयर फारिंग्स, देन दैट पर्सन दैट कैन नॉट रिस्पायर। सो ओनली 8-10 टाइम दैट टेक द रेस्पायरेशन, वन दैट च्यूइंग एंड बिफोर दिस आफ्टर नॉर्मल कंडीशन। मनुष्य तब सांस लेता है, वो हमेशा सांस लेता ही रहता है, लेकिन जब वो भोजन को निगलता है तभी केवल सांस लेना बंद करता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है। देखिएगा, आपने भोजन लिया, अपने मुंह में रखा, भोजन को मुंह में रखा, उसके बाद च्यूइंग किया, उसको चबाया, उसके बाद यहाँ चबाने के बाद आप सॉलिंग करते हैं, मतलब आप फील करिए, आप एक निमाला डाले हैं मुंह में और उसके बाद उसको आप चबा डाले, उसके बाद आप अंदर लेते हैं। तो जब आप अंदर लेते हैं तो यहाँ मैंने देखो एक सीन आपको दिखाया, ये चीज एक लिड जैसा था, लिड समझते हैं, लिड ढक्कन, तो इसको बोलते हैं साइंस में एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। इसको हिंदी में लिख दिया है घाटी ढापन बोलते हैं। एक क्या होता है हमारा जो वो क्या है, विंड पाइप, साइंस में इसको ट्राइकिया बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं श्वास नाल। तो इस श्वास नाल को जब हम भोजन को यहाँ से पास कर रहे होते हैं, जब ये भोजन यहाँ पर आता है, जब हम पास कर रहे होते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, इसको बंद कर देता है, इस पोर को बंद कर देता है। जब इस पोर को बंद कर देता है तो हमारा भोजन यहाँ ना जा करके इधर चला जाता है, इधर चला जाता है जहां उसको जाना चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए, आमाशय में जाना चाहिए, स्टमक में वहां पहुंच जाता है। तो यही केवल इस दौरान मनुष्य सांस नहीं लेता है, जब भोजन को यहां से पास करता है अंदर की तरफ तभी मनुष्य सांस नहीं लेता है, क्योंकि आप जानते हैं ब्लॉक हो गया, बंद कर देता है। जैसे आप निगल के थोड़ा सा रिलैक्स हुए तुरंत ओपन खुल जाता है और आप भोजन लेते हो तो आप मतलब हमेशा सांस लेते रहते हैं। इसलिए देखो आपको कभी कभी इंडिकेट किया जाता है माँ के द्वारा या कोई बहन भाई जो हमारे सीनियर होते हैं, कहते हैं खाना खाने वक्त या कोई आप पाउडरी चीज खा रहे हैं, जैसे कोई भी लाइक एनी पाउडर जैसा कोई सब्सटेंस हो आप खा रहे हो, चूरण वगैरह, तो आप बोलेंगे कि हंसना नहीं चाहिए। इसलिए हंसना नहीं चाहिए क्योंकि देखो हमारे हंसने में हमें एनर्जी चाहिए, और हमारे हंसने में जब तक हम हंसेंगे कैसे, जब तक हमारे अंदर हमेशा वायु पास नहीं होगी हमारी आवाज हंसी की आएगी नहीं, है ना। तो इसलिए हमें हंसने में आवाज हमें यहाँ लंग से यहाँ पर पूरा प्रोड्यूस होता है, तब हमारे पास आवाज आती है बोलने का, कुछ भी करने का। तो ये इसीलिए जब आप उस समय देखिए, सपोज दैट आप मुंह में कोई चूर्ण डाले हैं और उसके बाद आप हंस दिए, तो देखिए क्या होता है, ये जो है ये पाउडर जो अंदर जाना रहा है वो जाना चाहिए यहाँ, लेकिन आप हंस दिए तो ये खुल गया। क्योंकि हम देखिए जब हम बोलते हैं हवा निकलती है मुंह से, तो हवा कहाँ निकलती है, यहाँ भाई लंग पे प्रेशर पड़ता है इसलिए हवा बाहर आती है, तो यहाँ से तुरंत खुल जाएगा और जो पाउडर आपने मुंह में लिया है वो कहाँ चला जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा। और जैसे यहाँ इंटर करेगा पाउडर या कोई चूर्ण, तैसे हमारा जो सिस्टम है ब्रेन का वो तुरंत उसको रिप्लाई करेगा और इतना जबरदस्त झटका लेगा जिससे वो पाउडर आपके नाक के द्वारा या आपके मुंह के द्वारा अगेन रिवर्स हो जाएगा, बाहर चलाएगा। क्योंकि वो देखिए नेचर का कमाल कितना गजब, नेचर ने हमारे अंदर सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से वो पाउडर हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सपोज दैट अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा, क्योंकि जब वो पहुंचेगा तो हमारे एल्बो लाइन जाएगा, वहां पर पूरा सड़ेगा, सड़ने के बाद हमारे सेल्स को डैमेज करेगा, उसके बाद हमारे लंग्स डैमेज हो जाएगा। लेकिन नेचर इतना हमारा प्रोटेक्ट करता है, उसको तुरंत रिवर्स मार देता है आपके नाक के द्वार से, नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा रिवर्स बाहर चला आता है। तो आपने आपको समझ आ गया होगा कि हम सांस लेना कब बंद करते हैं, जब केवल आप भोजन निगलते हैं। देखिए चबाते वाले तो आप हमेशा सांस लेते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, उसके बाद जब आप निगलते यहाँ से, जब जैसे यहाँ पास होता है तभी बंद होता है, ये तब ढक्कन यहाँ बंद हो जाता है, जैसे आप खत्म किए निगल करके ये तुरंत ओपन खुल जाता है। तब तक हम आप खुद ही सोचिए, एक मनुष्य 10-15 मिनट तक अपना भोजन, जो भी उसका ड्यूरेशन हो, खाने का तरीका होता है, लोग बहुत जल्दी भी खाते हैं, बहुत देर तक खाते हैं,
तो आप अगर 15 मिनट सपोज दैट खा रहे हैं, 15 मिनट तक आप सांस नहीं लेंगे, ऐसा है यार? नहीं, इसलिए मैंने वही बोला कि केवल जितनी बार आप भोजन को निवारा निगलेंगे उतनी बार केवल आप सांस नहीं लेंगे, उतनी देर तक वो बंद हो जाता है। जो भी कुछ 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड लगे उतने के लिए देर के लिए बंद होता है, उसके अलावा वो कभी बंद नहीं रहता है। दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा लंग्स आगे है कि हमारा स्टमक आगे है। देखिए यहाँ दो पाइप है जस्ट यहाँ सामने है, तो हम आपको बता दें जो हमारा सामने की तरफ है पाइप है, देखिए यहाँ पर आप फिंगर रखेंगे अपना, तो आप दबाएंगे तो आपके आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी आवाज थोड़ा सा बदल जाएगी, क्योंकि आवाज मैंने अभी जस्ट बोला आवाज को बोलने में हमें क्या चाहिए, हवा, हमारे बोलने से हवा निकलती है, यहाँ से हमारा प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमारा जब यहाँ पर, यहाँ एक चीज होता है लैरिंग्स, आपने सुना होगा लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारे साउंड बॉक्स होता है यहाँ पर, वो जनरेट करती है आवाज को। तो देखिए इसलिए यहाँ से क्या होता है, तब हो जाएगी, तो सबसे आगे हमारा होता है ये लंग्स, ये ट्राइकिया वाला ये पाइप होता है, विंड पाइप सबसे आगे होता है, उसी के जस्ट पीछे, उसी के जस्ट पीछे हमारा क्या होता है फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस यानी ग्रास नाल। देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे सपोज दैट देखिए ये आपका है लंग्स, ये आपका ए वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, और सपोज दैट इस मार्कर को ले लीजिए, ये क्या आपका फूड पाइप है, ये क्या फूड पाइप, तो देखिए बॉडी में कैसे अरेंज रहते हैं। देखिए ये आपका क्या है विंड पाइप, मैंने इसको बोला है, और ये देखिए क्या आपका है वो इस फूड पाइप जिसको ग्रास नाल, ये देखिए ऐसे दोनों अरेंज रहते हैं, ऐसे दोनों अरेंज रहते हैं, आपको थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, ये आपका आगे वाला क्या है ये विंड पाइप है, पीछे वाला क्या है फूड पाइप है। जब भोजन हमारा जाता है तो देखिए भोजन इसमें जाना है और यहाँ पर हवा जाना है, तो इसी के ऊपर ढक्कन लग रहा था, तो भोजन पीछे, पीछे नली है इसलिए इसको पहले ढक देता ताकि भोजन यहाँ पर चला जाए, तो ऐसा होता है, तो एकदम सेम ऐसे होता है, आप देख लीजिए ये पीछे है ये आगे है, तो हमारा ये विंड पाइप है, ये हमारा ग्रास नाल वाला ये फूड पाइप है, इस प्रकार से हमारे अंदर अरेंज होता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि हम कब सांस नहीं लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही फैक्चुअल फैक्चुअल आपको बातें बताऊंगा, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे जो आप कभी, मतलब मैं सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे आप वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बायोलॉजी से ही पढ़ रहे हो या किसी और डिपार्ट से हो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग कॉन्सेप्चुअल है यार, ये रटने वाली बात नहीं है कि रटने से ये नहीं समझ आएगा, कॉन्सेप्ट एक बार बिठा लिए हमेशा ही लिए आपको सब, तो क्या साइंस यही कहती है, तो कॉन्सेप्ट समझिए साइंस आपको बिल्कुल हलवा की तरह समझ आएगा। तो इसी साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, इसी साथ हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।